हेलो हेलो हेलो, आ रही है ऑडियो? आ रही है? एम आई ऑडिबल गाइस? कैन यू प्लीज लेट मी नो? ओके, चलो ऑडियो तो बढ़िया। Hi Vipin, how are you हाय, doing? आई एम डूइंग लवली, गुड। एम आई हाँ ऑडिबल नाउ? दिख रहा हूं ना मैं? यस, आई कैन सी यू। आई होप आई एम ऑडिबल टू यू। यस, यू आर ऑडिबल, बट थोड़ा जर्क है वीडियो में। इज इट? बट नेट इज जस्ट ठीक है, परफेक्ट एक्चुअली। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो सबसे या पहले तो मतलब मैं ये पूछूंगा भाई, क्या हाल चाल, कैसा चल रहा है सब कुछ? I am doing fantastic. I'm enjoying my work. I'm enjoying my life. सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है. बट लॉकडाउन थोड़ा 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 ऊपर नीचे कर देता है. अदरवाइज थिंग्स आर लाइक परफेक्ट. लाइफ इज परफेक्ट. हाँ, मतलब पिछले 1-1.5 साल में ही बहुत ऊपर नीचे चीजें हुई हैं, बहुत तो बहुत मतलब ऊपर कैसा नीचे रहा था चीजें वो हुई टाइम? हैं. टू बी ऑनेस्ट, जैसा यू नो मी वेरी वेल फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 2 years. सो आई एम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड. फ्रॉम कॉर्पोरेट टू बिजनेस थिंग्स आर टोटली डिफरेंट, राइट? सो और तो आई थिंक आई शुड गिव माई इंट्रोडक्शन फर्स्ट टू योर क्लाइंटेज एंड देन श्योर आई शुड श्योर श्योर टॉक. श्योर, प्लीज प्लीज प्लीज। हेलो एवरी वन, आई एम करण बत्रा. आई एम अ फैशन डिजाइनर, टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट बाई प्रोफेशन. एंड इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बताऊंगा. जैसे जैसे मेरे होस्ट हैं आज के, जो मिस्टर विपिन बलोनी, वेल नोन आर्टिस्ट, वेल नोन फोटोग्राफर, और जो आप सब जानते हैं, ही ओन्स portraitbazaar.com. सो एंड ही इज डूइंग रियली गुड. तो आज मेरा इंट्रो ले रहे हैं और मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा उस बारे में. जैसे इन्होंने मुझसे पूछा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो इन 2019 आई शिफ्टेड माई करियर फ्रॉम अ कॉर्पोरेट टू टिपिकल बिजनेस बेसिकली. सो द लाइफ इज नॉट बीन दैट इजी एट इट सीम्स ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. द लाइफ वॉज रियली टफ, स्पेशली फॉर स्टार्टअप्स, फॉर न्यू बिजनेस पीपल, फॉर पीपल हु हैव स्टार्टेड ऑल टुगेदर यू नो अ न्यू बिजनेस. सो दो वी वर इन टू द बिजनेस, बट दैट वॉज डिफरेंट. दो वी ओन्ड अ फैक्ट्री, वी ओन्ड द बैक ऑफिस थिंग सिंस 1959. माई ग्रैंड फादर ओन्ड एवरीथिंग. बट कमिंग इन टू मेन्स वेयर, कमिंग एंड टारगेटिंग इन टू इंडियन मार्केट वॉज टोटली डिफरेंट. सिंस 1959 आर टारगेट मार्केट वॉज बेसिकली टिबेटन पीपल. हम लोग टिबेटन्स को टारगेट करते थे, एंड दैट टू ओनली द फीमेल क्लाइंटेज. वहाँ मेल पॉपुलेशन जो है टिबेटन्स की बहुत कम है, मतलब वो अपना ट्रेडिशनल अटायर्स नहीं पहनते हैं. सो यहाँ पे आई केम इन टू टोटली डिफरेंट थिंग, और उनको समझना, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट से आया हूँ तो चीज़ें वहाँ पे बहुत स्ट्रीमलाइंड होती हैं. कॉर्पोरेट में चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ चल, कि स्टैंडर्ड सो इफ फॉर इंडिविजुअल वर्क्स. बट यहाँ पे थिंग्स आर डिफरेंट. ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑपरेशंस भी मैं हूँ, एचआर भी मैं हूँ, फाइनेंस भी मैं हूँ. राइट राइट, वीडियो जर्क मार रहा है यार, आई गेस। हेलो करण, आर यू देयर? भाई आपकी वीडियो रुक गई है, आई थिंक इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है. हेलो, यार पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है. रुक गया ना? हाँ, People can थोड़ा see me टेक्निकल and you इश्यू हो रहा है, also. आई थिंक इंटरनेट की प्रॉब्लम. don't know actually, but यहाँ नेट बिल्कुल ठीक है. नहीं, नेट इधर भी ठीक ही है, मतलब मैं तो ठीक हूँ. पता I don't नहीं know what's the problem. कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है. Maybe, maybe.
सो यहाँ पे एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरी हो जाती है. सो एंड एवरी डे यू हैव टू फेस डिफरेंट चैलेंजेस. राइट वहां पे जो चैलेंजेस होते थे उनका रिजॉल्व होना बहुत इजी होता था, बिकॉज एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है आपका. यू आर नॉट सपोज टू राइट डील विद एन नंबर ऑफ पीपल. आप सिर्फ मेल पे बात करते हो, क्लाइंट इंटरेक्शन नहीं है. यहाँ पे आपका 100% क्लाइंट इंटरेक्शन है, 100% आपका अपनी टीम से इंटरेक्शन है, 100% आपका अपनी फैक्ट्री में इंटरेक्शन है. सो चीजें जितनी आसान लगती हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, एक्चुअल में उतनी राइट आसान लाइफ है नहीं. है नहीं. सो यू गाइस वोंट बिलीव, जो लॉकडाउन का मुझे ब्रेक मिला है वही मिला, एंड दैट वाज आल्सो नॉट अ ब्रेक, दैट वाज ऑल टुगेदर यू नो अ फ्रस्ट्रेशन ऑन माय हेड कि अब क्या राइट होगा. आई नीड टू पे ह्यूज रेंट फॉर माय स्टोर, आई नीड टू पे सैलरीज, आई नीड टू पे सर्टेन डेट्स, लोन्स. सो बिकॉज इट वाज अ न्यू, इट इज अ न्यू बिजनेस, सो वो सब माइंड में कहीं ना कहीं बैक ऑफिस चलता रहता है. सो दैट वाज राइट आल्सो राइट नॉट अ ब्रेक. आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ टेकिंग ब्रेक्स, हु लव्स टू गो ऑन हॉलीडेज. एज यू सी दैट माय आई नो. वीपीज एंड ऑल, आई लव यस यस हॉलीडेज, आई लव माउंटेन्स, आई लव बीचेस, आई लव टू राइट पार्टी, बट आई डोंट थिंक सो कि मैंने पिछले 7 से 8 महीने में कोई क्लब विजिट किया है बिकॉज ऑफ कोविड एंड बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर. आई डोंट थिंक राइट सो मैंने कोई ब्रेक लिया है पिछले 1.5-2 साल में. मेरा लास्ट वेकेशन वॉज ऑफ मनाली, दैट आई टुक लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर. राइट सो वो चीज है. अभी जॉब में क्या होता था, मैं ब्रेक लेके जाता था तो लैपटॉप बंद घर पे, बट हियर आई एम हाँ सपोज टू टेक माई आईपैड, लैपटॉप, एवरीथिंग अलोंग विथ मी, एंड आई ऑलवेज हैव टू बी ऑन टोज. राइट आई ऑलवेज हैव मैं टू बी समझ ऑन सकता हूँ. टोज एग्जैक्टली कि क्लाइंट की कब क्या रिक्वायरमेंट है. सो एटीन राइट सिक्सटीन फेब्रुअरी को वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड गॉट मैरिड. सो आई वॉज विद हर इन अ रूम, ब्राइडल रूम में था. हम लोग अपनी पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे सिंस वी गाइस आर फ्रेंड्स फ्रॉम लास्ट 8-9 ईयर्स. सो आई गॉट अ राइट कॉल एट 10 o'clock इन नाइट, मेरे कैनेडियन क्लाइंट्स का आई गॉट अ कॉल, एंड ही वॉज नॉट अवेयर, ही वॉज अ कैनेडियन गाय, हाउ टू वेयर अ शेरवानी एंड हाउ टू टेक यू नो ड्रेप्स ऑफ दैट. सो आई लिटरली हेल्प हिम फर्स्ट, देन वेंट फॉर अ वेडिंग. सो मैं एक रूम ओके में गया, मैंने उसे पूरा ड्रेप कराया कि आप दुपट्टा ऐसे लो, ऐसे लो, शेरवानी की चूड़ीदार आपको ऐसे चढ़ानी है. सो दैट वॉज लाइक थिंग्स आर यू नो अगेन इट्स डिफिकल्ट, इट्स डिफिकल्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं कहूंगा कि आपके कंट्रोल में नहीं होता, अपने काम नहीं के अंदर अगर होता, बात करें तो. यस एब्सोल्युटली. एक्चुअली यहाँ ब्लेम गेम नहीं है ना, ब्लेम गेम होता ही नहीं है. हाँ जॉब में राइट राइट ब्लेम गेम राइट होता है, यहाँ ब्लेम गेम नहीं है. हुम टू ब्लेम, राइट जॉब हुम में टू मुझे ब्लेम, लगता है कि आपका एक सेट काम होता है, आपको ये करना है, आपको उसकी एब्सोल्युटली सैलरी मिल रही है, तो यस, अगर कुछ चीजें इधर उधर हो जाती हैं तो आपके पास ब्लेम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं. अपने बहुत सारे काम में लोग क्या, हैं यू कैन नॉट ब्लेम एनीबडी एल्स, ब्लेम. हियर द एवरीथिंग इज कॉस्ट ऑन यू. सेंटर, कॉस्ट सेंटर करण बत्रा पेटेंट को तो प्राइवेट लिमिटेड का हिट होगा, हर चीज राइट पे राइट कॉस्ट राइट इधर हिट होती है तो वो फिर दुखता हाँ. है, ऊपर नीचे हर जगह दुखता है. सो दिस इज द थिंग एक्चुअली. तो मैं अगर थोड़ा सा पहले जाएं, जब आपने जैसा बताया कि कॉर्पोरेट आप एक सेटअप में काम कर रहे थे, तो वो यस जो एक्सपीरियंस था आपका, मतलब उसने जाहिर सी बात है कुछ तो आपको सिखाया ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं, उसने ऐसे ही मुझे रहा होगा, बहुत कुछ मतलब व्हाट वर सिखाया, द बहुत थिंग्स. कुछ सिखाया. राइट टू बी ऑनेस्ट ऑफ कोर्स मुझे डिसिप्लिन किया, कॉर्पोरेट ने मुझे राइट बहुत डिसिप्लिन किया. आई एम अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन इन माय लाइफ, आई हैव सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स व्हिच आई एम सपोज्ड टू डू. कॉर्पोरेट ने राइट मुझे टाइम बाउंड किया, मुझे एसएलएस, अपने जितने भी मेरे सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स होते थे, मुझे एसएलए, मेरी डेडलाइंस, ये सब कॉर्पोरेट ने सिखाई. अगर मैं अपने आसपास राइट वालों की बात करता हूँ जहां मैं बैठा हूँ, सो दे आर नॉट फ्रॉम कॉर्पोरेट वर्ल्ड, दे सिंपली केम इनटू बिजनेस. सो दे आर नॉट, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, इट्स देयर वे ऑफ डूइंग बिजनेस. एंड मैंने बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत कुछ अचीव कर लिया, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट का हाथ है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैंने वो सब चीजें इनकलकेट की हैं. आई ट्रेन माई एम्प्लॉयज, आई ग्रूम माई एम्प्लॉयज, विच नोबडी डज. राइट जैसे बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करा ली, मैं अपने एम्प्लॉयज को आई एम गोइंग टू गिव इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग, सो दैट एक उनकी सेफ्टी रहती है, टू एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज ऑल्सो. माई कंपनी इज नाउ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड आई फाइल माई जीएसटी रिटर्न, आई फाइल एवरीथिंग, सो एवरीथिंग इज एक नंबर से, एवरीथिंग इज राइट लीगलाइज्ड.
और मुझे सीएस एंड ऑल पागल नहीं बना सकते बिकॉज आई एम एजुकेटेड अनफ बाय गॉड्स ग्रेस एंड आई एम इनटू आई एम फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड ओनली. सो मेरे लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो गई बिकॉज आई वर्क्ड इन कॉर्पोरेट. सो चीजें काफी इजी रही कॉर्पोरेट की वजह से एंड आई फील ब्लेस्ड अबाउट इट दैट आई वर्क्ड इन कॉर्पोरेट. आई वर्क विद एजुकेटेड पीपल. आई वर्क विद यू नो फॉरेन क्लाइंट्स. सो उनका माइंडसेट अंडरस्टैंडिंग क्या होती है उनको इंडियंस की तरह चिक चिक नहीं पसंद जैसे इंडियन क्लाइंट्स है. वो एक चीज लेने 6 बार आते हैं. कॉर्पोरेट पीपल आर नॉट लाइक दैट. एक बार कह दिया मेल पे तो कह दिया और बात खत्म. उनको ये चिक चिक पसंद नहीं है लाइफ में. दे जस्ट वॉन्ट टू टॉक वंस दैट्स इट फिनिश. उन्होंने एक अग्रीमेंट डिसाइड किया कि करण हमें ऐसा काम चाहिए वो करण जाने उसकी टीम जाने. यहाँ पे कुछ क्लाइंट आएंगे सो दे वॉन्ट वो 4 बार फोन पे कंफर्म करेंगे. ऐसा ही हुआ है ना लपेल ऐसी है ना थ्रेडिंग ऐसी है ना एम्ब्रॉयडरी ऐसी ना अच्छा हमें दिखाओ. सो वो ट्रस्ट इश्यूज. आई नो ट्रस्ट इश्यूज थोड़ा टाइम के साथ बनते हैं बट बेसिक नेचर भी होता है. जो इंडियंस का बेसिक नेचर है वो डिफरेंट है. राइट. इंडियंस का बेसिक नेचर इंडियंस आर टू क्लिंगी. सॉरी टू से बट ड्यू रिस्पेक्ट आई एम ऑल्सो इंडियन बट इंडियंस आर टू क्लिंगी. फॉरनर्स आर नॉट लाइक दैट. सो ये वहां का थोड़ा डिफरेंस रहा. सो जो एजुकेशन की बात है ऑफकोर्स एजुकेशन के साथ साथ एजुकेटेड एंड लिटरेट इज एवरीबडी नाउ डेज बट ग्रूम्ड हर कोई नहीं है. सो आई एम हियर ग्रूमिंग माई टीम एक्चुअली बिकॉज आई एम एन आउटसाइडर. आई एम नॉट फ्रॉम अ डिजाइनिंग बैकग्राउंड टू बी ऑनेस्ट. सी आई नो क्लोथिंग इज इन माई डीएनए स्टाइलिंग इज इन माई डीएनए बट आई एम नॉट अ निफ्ट ग्रेजुएट और अ पोस्ट ग्रेजुएट टू बी ऑनेस्ट. क्वालिफिकेशन फॉर एमबीए फाइनेंस. आई एम इन टू मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. So I know how to do business. So eventually आपको business ही करना है. So वो चीजें मुझे बहुत help कर रही हैं. Obviously I have done certain fashion designing short term courses also. ऐसा नहीं है. I have done short term courses also to understand. But to be honest, उससे ज़्यादा जो मुझे help कर रहा है वो मेरे masters और मेरी education और मेरा corporate background is helping me. Right. हाँ बहुत अच्छी आपने एक बात बोली कि जो मतलब जो इंसान corporate से होकर के आ रहा है अपने business में ऑफकोर्स उसके पास में एक एक्सपीरियंस रहता है. सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है ना जो कि कॉर्पोरेट में और बड़ी कंपनीज के अंदर एक चीज होती है वो है सिस्टम एंड प्रोसेसेस जो वहां की बनी होती है. एक रैंडम इंसान कोई भी उठ करके जो हाँ डिसिप्लिन. तो जो एक रैंडम इंसान अपना बिजनेस कर रहा है ना मुझे ऐसा लगता है उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सिस्टम प्रोसेसेस वो बना नहीं पाता बहुत जल्दी. डिसिप्लिन होता नहीं है क्योंकि आपको आप फ्री हो और वो कहते हैं ना कि फ्रीडम एक्चुअली में ज्यादा मारती है बॉन्डेज से. जब आप फ्री हो तो आप ज्यादा मरते हो क्योंकि तब आप खुद अपनी चीजों के लिए जिम्मेदार हो. ये चीजें मुझे लगता है कि हाँ कॉर्पोरेट के अंदर ये है कि अगर कोई इंसान एक्सपीरियंस लेकर के आ रहा है तो ऑफकोर्स उसका एक बहुत चीजें ठीक हो जाती हैं जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है. एब्सोल्युटली राइट. कोई भी चीज के लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है लाइफ में. यू नीड टू गेट डिसिप्लिन. आई नो पिछले 8 महीने हो गए मुझे स्टोर खोले हुए बाय गॉड्स ग्रेस. मैंने एक भी दिन ऑफ नहीं लिया. माय टीम टेक ऑफ एवरी सेकंड डे. I have to wash the utensils. I have to clean my store because cost मेरी लगी हुई है. किसी का कुछ नहीं जाएगा. They just take salaries because उनका वो vision नहीं है. They don't want to grow, but I want to grow. As a team, I want them to grow also with me. But again, I can't force them. Right. I can't force them actually. So I want you to grow. You cannot force anybody, right? Actually, grooming, education. आपका you know career wise आपका एक ladder आपको जो आगे बढ़ना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी ग्रो करना चाहते हैं. आप उसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं. बात हर कोई करता है. बात हर कोई करता है बट उसके ऊपर एक्शन कौन कौन लेता है वो मैटर करता है. सो और एक्शन लेने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है लाइफ में. यू नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन. मैंने लास्ट 8 महीने से एक भी ऑफ नहीं लिया. आई फॉल इल. आई गॉट कोविड इन डिसम्बर. I got, right. you know, there are certain family members who have died in COVID. Right. Meri family mein, mere known mein, more than 20 deaths hui hai. So, immediate family members ko bhi humne lose kiya hai April mein. 3 family, right. immediate members, our dad ke cousins. But still, jo maine apne accounts mein padha going concern concept, ki business should be smooth. Business, it's a going concern concept. आप रहें या ना रहें बिजनेस चलते रहना चाहिए स्मूथ रहना चाहिए. चलते रहना चाहिए. डेथ मेरे घर हुई थी लेकिन शादी किसी की थी. शेरवानी उसको चाहिए. सो वो चीजें बहुत जरूरी है. ये नहीं है बिजनेस वाले लोगों के साथ क्या होता है. दे जस्ट यू नो गो बैक टू देयर वर्क. दे ड्रिंक. दे नो देयर आर गाइस अराउंड देम. उन्होंने अपने लड़के रखे हुए हैं सुबह खोल लेंगे स्टोर खुल जाएगा बट आपकी फेस वैल्यू है.
जो सेल्स आप करेंगे वो उनको फर्क नहीं पड़ता, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस टू देम वेदर यू गेट सेल्स और नॉट, दे विल नॉट थिंक अबाउट वेदर योर बिजनेस इज ग्रोइंग. रिसेंटली आई गिव यू द एग्जांपल, हाय हाय शट गौरव, गौरव लाइव है, गौरव इज अ वेल नोन फोटोग्राफर, गौरव इज अ वेल नोन फोटोग्राफर. सो ये सारे दिल्ली के जितने भी फैशन इवेंट्स के शूट्स होते हैं ये करते हैं, सारी वीडियो शूट्स करते हैं. ही वर्क्ड विद मेनी सेलेब्स आल्सो. सो चीजें काफी टफ हो जाती हैं कई बार मेरे लिए. जैसे भी रिसेंट एग्जांपल दूंगा, मुझे हमेशा, मैं हमेशा अपना ग्राफ ऊपर देखता हूँ, मैं हमेशा ऊपर देखता हूँ. आई बिलीव इन अफर्मेशंस, आई से माईसेल्फ आई एम स्ट्रॉन्ग, टुडे इज माय बेस्ट डे, दैट सॉर्ट ऑफ अफर्मेशंस आई डू, सो दैट आई फील मोटिवेटेड, बिकॉज मेरे को कोई नहीं है मोटिवेट करने के लिए. ऑल्दो एवरी मॉर्निंग आई कम एंड मोटिवेट माई टीम, बट दे हैव एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, आई डू हैव एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, but their problems, they think their problems are bigger, right. So they don't focus on their work, but if I don't focus on my work, then who will pay the rent, who will pay the interest on the loan? So ye sab cheeze mujhe demotivate to karti hain kai baar, but kai baar motivate bhi karti hain. Most of the time mujhe motivate karti hain ki main ek bahut zyada apna time ko leke particular hu. Jaise recently ab maine kapdon se aage aake बहुत अच्छे शूज का ब्रांड भी लॉन्च किया है. सो आपको जल्द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आपको मेरे पेज पे शूज भी दिखेंगे. आई एम इनटू प्रीमियम क्वालिटी शूज, सो दे ऑल आर वेरी प्रीमियम क्वालिटी शूज एंड यू ऑल विल फॉल इन लव विद देम एंड आई गॉट अ गुड सेल्स विद इन 3 days ऑल्सो सो फॉर द शूज. एंड अभी मैंने सिर्फ कैटलॉग से ही वो सेल करी है, अभी तो हम लोग लाइव भी नहीं आए, अभी अंडर प्रोडक्शन है. So people love my collection. So वो किसको matter करता है? मुझे. Right. आपको. वो मुझे matter करता है. Of course. So वो चीज़ है. Nobody else take care. That's true. Nobody take care. Completely believe that. Yeah. और मैं जब से आपको जानता हूँ ना, जब से मैंने आपको भी देखा, आपका career graph देखा, I'm really happy for you कि जो भी आपने मतलब हमारी पहले जैसे बात हुई थी. Yes. और ये स्टोर को लेकर के और जिस तरीके से आपका करियर ग्राफ ऊपर जा रहा है, काम चल रहा है, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू. और स्पेशली मैं उन लोगों को जब देखता हूँ ना जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड से या किसी जॉब करते थे कहीं पे पहले और वहां से अपना काम उन्होंने स्टार्ट किया, तो मुझे उनको देख करके थोड़ा बहुत अच्छा लगता है उनको देख करके. तो यू आर वन ऑफ देम. तो मैं ना ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि जब आप जॉब करते थे तो व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट इंस्पायर्ड यू, क्योंकि जॉब तो वहां पे भी आई गेस ठीक ही होगी, अच्छी होगी. इट वाज गुड. आई वाज एट मैनेजर लेवल, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे को हमेशा से फील होता था मैं इसके लिए नहीं बना हूं. राइट. मेरे को एक महीना जॉब किया मैंने, आई स्टार्टेड माय करियर इन 2009 आफ्टर कंप्लीटिंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन एंड आई गॉट प्लेस्ड विद वन ऑफ द बेस्ट एमएनसीज ऑफ द वर्ल्ड. But still I was not happy because वहां पे आपको घोड़ा बना दिया जाता है, घोड़े के वो लगते हैं ना, आप ब्रॉड देख नहीं सकते हो. हाँ, ब्रॉड देखने से आपको मना कर दिया जाता है. बट आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ, मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता. आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ टू द फुलेस्ट. मुझे अपनी जिंदगी को जीना है, मुझे अपनी जिंदगी मर मर के नहीं जीनी है. लोग कहते हैं कि वहां नौकरी है तो वो किसी और की नौकरी है. नो, दिस वाज नॉट द रीजन. यहाँ भी नौकरी है, मैं क्लाइंट्स का नौकर ही हूँ आज भी. क्लाइंट्स ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है. क्लाइंट्स नहीं है तो मेरी कोई औकात नहीं है. आज अगर क्लाइंट्स आना बंद हो जाए तो हम कुछ भी नहीं है. बिल्कुल. स्टोर बंद होने में कुछ दिन नहीं लगेंगे टू बी ऑनेस्ट. सो वी हैव टू सर्व आवर क्लाइंट्स. वहां भी मैं अपने क्लाइंट सर्व करता था, बट दैट वाज नॉट माय पैशन. आई वाज जस्ट डूइंग इट फॉर मनी टू बी ऑनेस्ट. दैट वाज नॉट माय पैशन. सो दिस इज माय पैशन व्हिच आई एम फॉलोइंग. And this is the reason I'm working 24/7 and I'm loving my work. वहाँ मैं 9 घंटे में थक जाता था, यहाँ मैं 24 घंटे में भी नहीं थकता. Because I'm loving my work, I'm on vacation because I love my occupation. So मुझे यही vacation लगता है. मुझे यही vacation. और ये सबसे अच्छी feeling है मुझे लगता है. Exactly. क्योंकि काम आपको हर जगह करना है. काम आपको हर जगह करना है. यहाँ भी करना है. मैं तो ये कहूँगा यहाँ पे आपको ज्यादा करना है. ज्यादा यहाँ देर इज नो कंपेरिजन. वहां तो 8-9 घंटे में डन हो जाता था. यहाँ तो 24 के भी 48 आवर्स हो जाते हैं. मैं तो कहता हूँ दिन 24 घंटे का क्यों है. मुझे लगता है दिन 48 घंटे का होना चाहिए था. सीरियसली मेरे को 24 घंटे कम लगते हैं. देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो आई वांट टू शेयर. मैं वैसे कैब से ट्रेवल करता था, कभी अपनी गाड़ी ले जाता था. और लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में मुझे कैब नहीं मिली थी तो मैं अपनी गाड़ी भी बहुत कम लेके जाता था बिकॉज इट वॉज वेरी फार. ऑलमोस्ट मानेसर के नियर थी मेरी जॉब. सो मैं मेट्रो से कम्यूट करता था. तो टू बी ऑनेस्ट आई
felt very bad when I was commuting with metro, from metro. मुझे लगता था that's too middle class to be honest. Right, right, right. To be honest, and I don't want to die as a middle class person. When I know my worth, I know my capability. मैं कुछ पहन के निकलता था, तो वो ऑफिस में next week 10 लोगों ने पहना होता था, from the very beginning. मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे बिना आज तक शॉपिंग नहीं की, मेरे किसी कजन ने मेरे बिना शॉपिंग नहीं की. दे लव माय स्टाइल, दे लव माय पर्सनालिटी, दे लव माय एटीट्यूड एंड बिहेवियर. सो मुझे लगा जब मैं इतना कर सकता हूँ फ्री में, व्हाई नॉट टू अर्न फ्रॉम दैट, राइट? सो वो चीज है. इसीलिए आपने देखा होगा मेरी कहीं होर्डिंग्स नहीं है, मैंने कोई पब्लिसिटी नहीं करी, मैंने कमर्शियल शूट्स भी अभी रिसेंटली करना शुरू किए हैं. बट जैसे ही मैंने अपना स्टोर इनॉग्रेट किया, आई एम डूइंग वंडरफुल. Because it's in my DNA and I give 200% to my client. मैं जज नहीं करता क्लाइंट को कि जो कोई बंदा रिक्शे से आया है, ऑटो से आया है, कोई रिच है, कोई मिडिल क्लास है. I don't judge my clients. I simply, you know, make them feel that they are my God. And I have to serve them 100%. I take measurements by myself. I style them personally. I tell them what to wear, what not to wear. At times, although I'm into menswear, but at times I style their fiancés also. Because soon I am coming into female wear also. So they feel really happy. So I get a good connection with their, you know, family members too. So generally, log mere paas aate ek attire ke liye, but paanch attire se kam koi lekar nahi jaate. Ye aapki khubi hai. Thank you so much. So, हम end to end कर देते हैं, हल्दी, मेहंदी, कॉकटेल, वेडिंग, रिसेप्शन, तो पांच अटायर तो मैं देके ही भेजता हूँ. ये आपकी खूबी है, क्योंकि ये एक होता है ना कि कई बात कही जाती है कि लोग सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन लोग ये नहीं भूलते कि आपने उनको फील कैसा करवाया. Absolutely, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है. Absolutely. 100-200 रुपए में कुछ फर्क नहीं पड़ता. Right. फर्क नहीं पड़ता. 100-200 में कुछ पॉकेट स्क्वायर में, कुछ कोल्ड ड्रिंक सर्व करने में, ड्राई फ्रूट सर्व करने में कुछ फर्क नहीं पड़ता. इट्स जस्ट यू आर शोइंग योरसेल्फ हाउ यू आर, हु यू आर, यू आर ब्रॉट अप, यू आर अपब्रिंगिंग, कि आपकी अपब्रिंगिंग क्या है, बेसिकली वो दिखती है. सो वो चीज. और फिर यहाँ से ट्रस्ट बनता है बेसिकली. एग्जैक्टली. जैसे मेरे स्टोर से जनरली एक ग्रीटिंग्स जाते हैं जब किसी की एनिवर्सरी होती है, किसी की रिसेप्शन है. सो वी सेंड देम them with my autograph or a gift or anything. I usually send them to make them feel, you know, जैसे सबे साची भेजते हैं, तो सबे साची is, you know, one of my mentor. I really like, although I love Manish personally, but सबे is also I like. So मेरे अगर मैं कहूँ मेरी inspiration मनीष है, but सबे is also my one of my inspiration. और जैसे सबे हर अपनी groom bride को एक मंगलसूत्र send करते हैं, सबे अपनी हर ब्राइड को एक लेटर सेंड करते हैं पर्सनली, लेटर लिख के. सो आई ऑल्सो डज इट ऑन माई लेटर हेड, सो दैट यू नो वो 10 साल बाद भी एक लेटर हेड खोले तो उनको याद आए. याद आए करण बत्रा. बहुत छोटी छोटी, राइट राइट, और बहुत छोटी छोटी चीजें जो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सो ये सब चीजें मुझे कॉर्पोरेट से मिली है. राइट. हाँ, यही इसी बात पे मैं आने वाला था, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैं तो कहीं पे मैंने जॉब नहीं करी, कोई कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो बहुत लंबा टाइम लग गया है ये चीजें, बेसिक चीजें सीखने के लिए. बेसिक चीजें सीखने में, आप बेसिक चीजें सीखने के लिए, क्योंकि ये कोई सिखाने वाला नहीं था और कहीं से कुछ सीखा नहीं. बट ये मैं, क्योंकि मैं खुद पहले ये मानता था कि कहीं पे जॉब मत करो, कुछ मत करो, अपना सब कुछ करो, ये मेरी पहले थिंकिंग थी. बट जैसे जैसे एक्सपीरियंस आया ना, तब मुझे पता चला नहीं, कॉर्पोरेट का अपना बहुत बड़ा एक रोल होता है. अगर कोई वहां से होकर के जा रहा है, उसका एक्सपीरियंस लेवल दिखता है उसके काम में. हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कॉर्पोरेट की पॉजिटिव चीजें, कि हम लोग आते हैं और काफी चीजें हमें कॉर्पोरेट में हो जाती हैं. हम टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं, हम SLA सीख जाते हैं, हम क्लाइंट को खुश करना सीख लेते हैं. लेकिन जो नेगेटिव चीजें हैं कॉर्पोरेट की, वो ये है, कॉर्पोरेट आपको बांध देता है. कॉर्पोरेट आपको बांध देता है, एक बियॉन्ड द पॉइंट नहीं सोचने देता. मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूं, मैं बैंकॉक गया था, नैरो विजन दे देता है उसको. ऐसा सॉरी टू से, मैं किसी को मना नहीं कर रहा, बट मैं ये बोलूंगा कि कॉर्पोरेट आपको नपुंसक कर देता है, टू बी ऑनेस्ट. राइट.
मैंने बहुत नेगेटिव वर्ड बोला है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई फेल्ट दैट कि करण यू आर बियॉन्ड देन दिस. सो मैं नहीं, मैं ये कहूंगा इसको अगर नेगेटिव ना बोला जाए ना तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ड है बहुत. Yes. अगर नेगेटिव ना भी बोला जाए इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. एग्जैक्टली. तो मैं जब आता था मेट्रो में तो मैं जनरली मैं बहुत रिलीजियस हूँ, तो मैं गीता बहुत पढ़ता हूँ. मुझे श्रीमद भागवत एंड गीता दोनों बहुत पसंद है. तो मैं एक बार कृष्ण अर्जुन संवाद पढ़ रहा था गीता में, तो उसमें अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि माधव मनुष्य कितना है, माधव मनुष्य कितना है. तो माधव ने पलट के जवाब दिया, मेरे इष्ट है माधव, तो माधव ने पलट के जवाब दिया कि जहां तक उसकी सोच जाती है मनुष्य उतना है. That hitted me hard. Right. कि जो जितना सोचता है वो उतना है. So ये मैंने कैसे relate किया? मैं बैंकॉक गया, मैं दो तीन बार बैंकॉक गया था अपने प्रोसेस लेने के लिए जब मेरी लास्ट जॉब थी. सो मैं एक आदमी के साथ गया, ही वॉज लाइक ऑलमोस्ट 6-7 years एल्डर टू मी, 7-8 years, एंड ही वॉज एट माई लेवल ओनली, और मेरे जितनी सैलरी पैकेज था उसका. So, I was surprised कि मेरे से 8 साल बड़ा आदमी, 2 बच्चों का बाप और इतने कम सैलरी पैकेज, मतलब फॉर अ गाय इट्स फाइन बट फॉर अ मैन इट्स नॉट फाइन जिसके 2 बच्चे हैं. तो मैंने उससे पूछा कुछ कुछ बातें कि आपने कभी हमारे प्रोसेस से रिलेटेड बात हो रही थी. मैंने कहा ये प्रोसेस में ये मुझे खामियां लगती हैं, इस प्रोसेस को अगर हम ऐसे करें तो हमारी कॉस्ट भी कम होगी और हमारा जो प्रोसेस स्ट्रीमलाइन भी होगा और हमारी एफटी कॉस्ट भी निकल जाएगी. तो ही सेड करण जस्ट स्टॉप इट, हम लोगों को इसकी सैलरी नहीं मिलती है, वो दूसरों का काम है, हम सिर्फ यहाँ पे प्रोसेस लेने आए हैं, प्रोसेस लेते हैं और ना हम दिल्ली वापस चलते हैं. आई वॉज लाइक, तो अर्जुन ने सही प्रश्न किया था कि मनुष्य कितना, मनुष्य जितना सोचता है वो उतना है. तो मेरे को हमेशा से ये फीलिंग आती थी करण यू आर, अभी भी मुझे ये फीलिंग आती है. इसके लिए इतना टर्मिनल, इंग्लिश में एक वर्ड है, मैंने अभी रिसेंटली शेयर भी किया था, बिजनेस टर्मिनोलॉजी में एक एनसाइक्लोपीडिया में वर्ड है कि जहां पे आपको लगता है कि नहीं दिस इज नॉट इनफ. तो मुझे आज भी लगता है कि मैं अभी भी इससे फार बियॉन्ड कर सकता हूं. राइट. ये तो मेरे से बहुत इजिली मैनेज हो रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है. I'm managing things very easily. I got a wonderful team. To be honest, I got a team of 3 people here and 10 people in the factory. So they are managing it wonderfully. I just sit here because of my face value. Right. And I have nothing to do, to be honest. So this is the reason I came into shoes now. So that I can do more. I can earn well. I can repay my debts. Right. And main apni brand ko, being an outsider, main kisi ko janta nahi, to be honest, first of all. So... मैं कोई फैशन फ्रेटर्निटी से नहीं हूँ, फिर भी इतनी जल्दी मैंने एक शो कर लिया, कमर्शियल शूट्स कर लिए. मेरी लेन में कोई भी नहीं कर पाया. यहाँ पे देयर आर 10 डिजाइनर्स ऑलमोस्ट जिस लेन में मेरा स्टोर है. पीपल आर हियर फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स बट दे हैवंट डन एनी शो, दे हैवंट डन एनी कमर्शियल शूट. सो आई गॉट लॉट ऑफ थिंग्स बाय माय यू नो गॉड्स ग्रेस. ये सब उनकी कृपा है, मेरे गुरु की कृपा है और मेरी डेडिकेशन है ऑफकोर्स. And soon मेरे 2 शो और लाइंड अप है, गोवा में है, दिल्ली में. Right. So, इसी साल 2 शो और होने हैं और स्टेट वाइज शो कर रहा हूँ. वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है कि मैं गोवा की बीच पे एक शो करने वाला हूँ बहुत जल्द. राइट. अमेजिंग. वो चीज बहुत बढ़िया, बहुत तो ये सब चीज है. हाँ, तो मुझे इसीलिए फील होता है कि आई एम मोर देन दिस एक्चुअली. सो ये क्यूरियोसिटी वो भूख होनी चाहिए. एग्जैक्टली. सो दैट हंगर हैज टू बी देयर कि यू कैन डू मोर. देखो मैं हिंदी में बोलता हूँ, देसी आदमी हूँ पुराने दिल्ली का. इसने जल्दी जाना है, चाहे कोविड में मरे, थर्ड वेव में, चाहे बाद में मरे. तो व्हाई नॉट टू यूटिलाइज दिस, कुछ करके ही मरे. ऑप्टिमम यूटिलाइज, मैक्सिमम नहीं कहूंगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके मरे. मेरा टारगेट है जब मैं मरूं, मेरा ये टारगेट है, मैं सबको कहता हूँ मैं मरूं ना तो दिल्ली पुलिस को ना स्पेशल इंटीमेशन हो, सारे रास्ते जाम हो जाए. That is Karan Batla's last rites and funeral is happening. Newspapers mein aaye that Karan Batra is no more and he has started from, you know, jab kuch bhi nahi tha. Ha. Kuch nahi tha, to be honest. Aur wahan se shuru karna. See, nepotism se to har koi shuru kar leta hai. Main Amitabh Bachchan ka beta to hu nahi. Right, I am from a middle class person. I am from a middle class family. I'm, you know, my dad is lawyer. Ek bahut joint family में रहता हूँ. You have seen everything. Yeah, so, I've seen it. I want to make a mark actually. So वो मेरा मन है.
और वो मैं कर रहा हूँ डेली रोज कुछ ना कुछ. द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट आई गॉट थ्रू माई क्लाइंट्स, आई लव दैट. दैट वॉज मिसिंग इन कॉर्पोरेट. यहाँ पे जो मेरी रिस्पेक्ट है, जो मेरी इज्जत है, जो मुझे एक औजा दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है. टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत मजा आता है. Amazing. और मुझे बहुत वो मजा मतलब मेरे आंसू निकल आते हैं, मजा आता है मतलब मुझे. हाँ. या. वो मजा Amazing. मुझे क्लब में डांस करके भी नहीं आता. जो मजा मुझे जब क्लाइंट्स मेरे पूछे बिना एक्चुअली क्लाइंट मुझे कॉल करते हैं, दे आस्क मी सर ये शूज जाएंगे नहीं जाएंगे, ये पॉकेट स्क्वायर जाएगा नहीं जाएगा. सो आई ऑलवेज लव टू स्टाइल पीपल. मैं किसी को भी देखूंगा ना, कोई मेरा, अब ऑब्वियसली हर किसी को तो नहीं टॉट करता, बट कोई मेरा फ्रेंड बना है तो आई कीप ऑन स्टाइलिंग देम, आई कीप ऑन ग्रूमिंग देम फ्रॉम बेसिक हाइजीन टू क्लोथिंग. आई टेल देम व्हाट टू वेयर, व्हाट नॉट टू वेयर, what sort of, you know, what sort of lip balm you should use, what sort of beard oil you use, what sort of, you know, perfumes, like, what sort of perfumes you use. This is my all-time favorite, Versace. Sorry, I'm not doing any paid promotions with Versace. Koi paid promotion nahi hai. Yeah, exactly. So, that's what I do. I love them. And main sabko ye kahunga, jo bhi sun rahe hain, if they want to do something, do what you love. Right. Do what you love. But हाँ, साथ साथ मैं ये बोलूंगा, be prepared for the worst. Be prepared for the worst. Hope for the best and be prepared for the worst. Prepared for the worst, actually. Right. जिसने कोविड को निकाल लिया ना, वो विनर है. ये मैं बिल्कुल बिल्कुल. वो विनर है इस टाइम. मैं भी हर किसी से यही बोलता हूँ, जो भी अपना काम कर रहा है, कुछ भी, जिसने कोविड को झेल लिया ना, और आप खड़े हो अपने काम में अब भी, तो आप में है भाई, कुछ तो है. एग्जैक्टली. बट कोविड जाने वाला है, एक डेढ़ साल का रह गया है. ये एक टैरो रीडर की प्रेडिक्शन है. सो 23 तक कोविड बिल्कुल चला जाएगा, जनवरी 23 तक. 22 में रहेगा थोड़ा बहुत, तो हमारे 23 में मास्क ऑलमोस्ट हट जाएंगे. सो दैट्स नॉट एन इशू. एंड आई एम डबल वैक्सीनेटेड, सो माई मी एंड माई टीम इज डबल वैक्सीनेटेड एट माई स्टोर. माई फैमिली इज ऑल्सो, किसी का सिंगल, किसी का डबल. So, मैं सबको ही बोलूंगा, get vaccinated. एक question, एक last question मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ ना, please, ये young जो लोग होते हैं ना, young बच्चे या जो just start कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत ये चीज रहती है, और जो job करते हैं उनके अंदर भी रहती है, जो अपना business कर रहे हैं उनके अंदर भी रहती है, और ये बहुत counter, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध वाली बातें हो जाती है. जो जॉब करता है, अक्सर मैंने देखा उनको लगता है कि यार, जब वो जॉब में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, कि बिजनेस करना बहुत आसान है. और ये सेम चीज होती है बिजनेस, जो बिजनेस में उतरते हैं और जिनको थोड़ी सी हार्डशिप्स होती हैं, काम नहीं चल रहा होता, उनको लगता है यार जॉब बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, चुपचाप 9 से 5 अपना काम करते, सैलरी 1 तारीख को मिल जाती थी, बढ़िया है, तो इसको तो गलत. तो आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में, आपको क्या लगता है, क्या सोचते हो आप? देखो, ये अपने पर्सपेक्टिव, बिजनेस आसान है कि जॉब? नहीं नहीं, जॉब इज फार बेटर. मैंने मैनेजर लेवल पे जॉब छोड़ी है, मुझे पता है जॉब इज फार मोर इजियर देन डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस. जॉब में सिर्फ आपको एक चीज करवानी है, और वो है बेइज्जती. दैट्स इट. अगर आप बेइज्जती झेल सकते हो, आप जिंदगी भर किसी के गुलाम बन के जॉब कर सकते हो, ठीक है? राइट. वो चीज है. बिजनेस में भी इंसल्ट है आपके क्लाइंट से, ऐसा नहीं है. यू हैव टू डील विद ब्लू कॉलर पीपल, वो सबसे वर्स्ट पार्ट है बिजनेस का. बट बिजनेस करना इज नॉट एज इजी एज इट सीम्स. राइट. यू हैव टू बी ऑन टोज, जहां से मैंने स्टार्ट किया था, 24/7. बिल्कुल. आपको अपने पैरों पर खड़े रहना है 24 घंटे. आपको क्लाइंट्स के कॉल आते हैं, आई गॉट माई प्रोफेशनल फोन, आई गॉट माई प्रोफेशनल आईपैड, आई ऑलवेज हैव टू कीप दिस थिंग्स इन माई कार, एट माई, इन माई बेडरूम, एवरीवेयर. एक्चुअली यू नो, पता नहीं क्लाइंट कब क्या मांग ले, नहीं दो तो कहेगा ऑर्डर कैंसिल. राइट. और जब वो लाखों का ऑर्डर कैंसिल होता है ना, तो नींद नहीं आती है. राइट. जॉब में अगर एंट्री गलत हो जाती है, तो उसका रिवर्सल बहुत इजीली डल जाता है. लेकिन अगर यहाँ सूट खराब हो जाए, आप फैब्रिक का कॉल ना उठाओ, फैक्ट्री से मास्टर जी का कॉल ना उठाओ, और उसने लपेल 3 इंच की जगह 2.5 इंच काट दी, तो वो 50,000 का सूट आपका ही है. नोबडी इज गोइंग टू बाय दैट. वो फिर आपका कॉस्ट सेंटर हिट होगा.
स्पेशली अब चाहे आपका बिजनेस प्रोडक्ट रिलेटेड है, सर्विस रिलेटेड है, कुछ भी है, कुछ भी है, यू ऑलवेज हैव टू बी अवेलेबल फॉर द क्लाइंट अंटिल यू बिकम मनीष मल्होत्रा. सो फॉर दैट यू हैव टू गिव एटलीस्ट 10 years ऑफ टाइम. राइट. और ये 10 years का जो स्पैन है ना, लोग इसी को नहीं देखते. इधर वाले जो जॉब वाले लोग हैं वो सीधा देखते हैं फाइनल एंड रिजल्ट. हमें इसीलिए 99% बिजनेस फेल हो जाते हैं. हाँ, क्योंकि पेशेंस नहीं है. यू नीड टू बी पेशेंट इनफ. एक्चुअली पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. पेशेंस नहीं होगा कोई फायदा नहीं है बिजनेस करने का. जो भी बिजनेस एस्पिरेंट्स हैं, जो अपना काम खोलना चाहते हैं, मैं सबको ही बोलूंगा स्ट्रॉन्ग बैकअप लेके चलिए अपने पास फाइनेंशियल. स्ट्रॉन्ग बैकअप फाइनेंशियल होना बहुत जरूरी है. नाउ इट डिपेंड्स कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं, कैसे हैं. आप सोच रहे हैं अगर 10 लाख में होगा तो प्लीज 50 लाख लेके चलिए, मैं तो ये बोलूंगा. राइट राइट. जितना आप सोच रहे हैं उसका ट्रिपल और 5 times आप बैकअप लेके चलें, स्पेशली इन गुड्स इंडस्ट्री. सर्विस इंडस्ट्री में तो इतना फर्क नहीं पड़ता बिकॉज यू आर नॉट डीलिंग विद एनी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स. राइट राइट. बट हेयर यू आर डीलिंग विद लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स बेसिकली. सो प्रोडक्ट्स है, आपके गुड्स है, आपका बैक ऑफिस है, आपका फर्नीचर फिक्स्चर्स है. बहुत इन्वेस्टमेंट मांगता है. बहुत इन्वेस्टमेंट मांगता है एक्चुअली. सो वो सब चीजें आपको थोड़ी सी देख के चलनी पड़ती हैं. बट बिजनेस में आपको मैं तो एक ही चीज कहूंगा, पेशेंस होना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. राइट. शिवम भी कह रहे हैं करेक्ट ब्रो, बिकॉज शिवम भी आपकी तरह एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर है. और शिवम ने भी मेरे लिए अभी शूट किया है, कमर्शियल शूट. ही हैज डन अ वंडरफुल फोटोग्राफी. और ये बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग बॉडी बिल्डर्स का शूट करते हैं, दिल्ली के जाने माने. So he traveled a lot of cities. So his page is amazing for girls. So girls would fall in love with guys. Go and follow. I mean even boys also. So जो follow करना चाहते हैं, so they can follow. So it's amazing. I mean so. And Vipin को तो सब जानते ही हैं. He's like owner of Portrait Desire. It's doing wonderful. Yes. I mean मैंने आपकी journey देखी है. Now you have 69,000 followers. So it's commendable. It's commendable actually. So thank you so much. Yeah. Thank you. तो जो आपकी बात को अगर मैं summarize करूं, जो भी आपने बताया job से और business से related, वो ये है कि अगर आप job में हो और अगर आप job से business में अपना shift करना चाहते हो, ये सोच करके कि आप free हो जाओगे और आप मौज मारोगे जैसा बहुत लोग सोचते हैं. बिल्कुल नहीं करोगे. बिल्कुल ऐसा नहीं होगा. आपको खाना खाने का वक्त नहीं होगा, बल्कि ज्यादा ही होगा. आप वहां तो फिर भी आपको एक लिमिटेड आवर्स काम करने. यस. वहां तो मैं 3 ब्रेक डेली लेता था. वहां पे हमारे 3 ब्रेक होते थे कॉर्पोरेट में, हाफ एन आवर, 15 मिनट्स. द मोमेंट आई बिकम मैनेजर, फिर तो मेरे 6 ब्रेक होते थे, 7 ब्रेक होते थे. राइट. आई वॉज अ मैनेजर लीडिंग अ टीम ऑफ 20 पीपल. ऑफकोर्स हु केयर्स. बट हेयर इफ आई टेक अ ब्रेक, माई टीम विल स्लीप. दिल गो ऑन कॉल, दिल चेक देयर इंस्टा, they'll not deal with the clients. It doesn't make any difference to them. So वहाँ जो cost की बात आती है वो मेरी hit होती है तो मेरी लगती है. Right. वहाँ मेरी नहीं लगती. I can totally understand that. वहाँ मेरी नहीं लगती थी. I was very relaxed. So वो चीज़ है. But हाँ, अगर आप life में कुछ करना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है. बहुत कुछ खोना पड़ता है तब जाके मिलता है. लोग मुझसे कहते हैं why you're not getting married, लोगों का question होता है. Sorry for telling about personal things. No, please, but please, आप जो भी आपका experience है अगर आप बताओ. लोग people you know question me on Instagram, Facebook, a lot of other social media. You are well settled in your life. You're not getting married. मैंने कहा एक बार जरा आके देखो how much well settled I am. First of all, you have to ask what exactly is well settled mean. Well settled for me actually. By looking at one picture wearing a suit of 20,000-30,000 rupees, right, is not a definition of well settled. That was just a moment. 10 seconds ka moment tha wo mera. Driving car and holding a nice glass of cold drink, so it's not a definition of well settled. Right. Right. Well settled hona bahut alag cheez hai. Well settled means jab streamline ho jaye cheez hai. यहाँ मुझे अपने लिए टाइम नहीं है तो शादी करना इज अ वेरी वेरी दूर की चीज. हाँ बिल्कुल. पहले आपको अपने लिए तो टाइम हो. राइट. सो फर्स्ट एटलीस्ट गिव टाइम टू योरसेल्फ, देन आप किसी को अपनी लाइफ में लेकर आओ.
खैर वो तो एक रिलेशनशिप एस्पेक्ट अलग हो जाएगा, मेरे अंदर का टैरो रीडर जाग जाएगा और टाइम भी बहुत हो जाएगा. सो आई ऑल्सो हैव अपॉइंटमेंट्स एट 4 o'clock. चलो भाई, तो ये थे अपने करण बत्रा जी जिनसे हमने आज बात की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये पूरी कॉन्वर्सेशन और अपना लाइव सेशन. तो मुझे भी थोड़े बहुत काम है आज, तो इस लाइव सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में किसी और के साथ में. बाय बाय, टेक केयर, हैव फन गाइस, बाय.